से खबर है, बिना फिटनेस के स्कूली बसें चलाई जा रही हैं सड़कों पर। बिना फिटनेस के स्कूली बसें चल रही हैं। 280 स्कूली बसों का अब तक कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। 11 स्कूलों ने नहीं कराया है बसों का फिटनेस। इसको लेकर सरकार ने आदेश दिए थे कि बसें अपना फिटनेस टेस्ट करवाएं। आरटीओ को भी ये चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ भी ऐसा होता इस तरफ नहीं दिख रहा है। शासन की तरफ से कई बार आदेश आ चुके हैं, लेकिन ऐसे आदेशों के बाद भी कोई कार्रवाई आरटीओ की तरफ से नहीं होती दिखी है। गाजियाबाद में जिस तरीके से एक छात्र की मौत हो गई थी, उसके बाद शासन की सख्ती तो सख्त नजर आई, लेकिन आरटीओ विभाग पर शायद इसका कोई भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार मासूमों की जान से खिलवाड़ होता आ रहा है। कुछ स्कूलों ने अभी बसों का संचालन नहीं किया है और उनकी फिटनेस भी है, उनको हम नोटिस दे रहे हैं, जिसमें एक स्कूल से आए भी हमारे पास, तो उन्होंने बताया कि सर अभी हम अपनी स्कूल बसों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों को भी कहा गया है कि ऐसे स्कूल जिन्होंने फिटनेस नहीं कराई है उनके आसपास चेकिंग करें, अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब गाड़ियों को सीज किया जाए। प्रदेश सरकार बसों की फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर है, लगातार आदेश देती रहती है कि हाँ किसी भी तरीके से ऐसी बसों को चिन्हित किया जाए जिनका फिटनेस न हो, खासकर स्कूल बसों को लेकर बेहद गंभीरता दिखाई जाए। नोएडा में तकरीबन 1500 बसें रजिस्टर्ड हैं आरटीओ विभाग में, लेकिन उसमें तकरीबन 280 बसों का आज तक फिटनेस नहीं हुआ है। 11 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपना फिटनेस ही नहीं करवाया है, और ना ही आरटीओ विभाग की तरफ से उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करी गई। गाजियाबाद में जब घटना हुई तो घटना के बाद लगातार शासन स्तर से आदेश पे आदेश आते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा का जो आरटीओ विभाग है अभी तक उन आदेशों से जागा नहीं है। 280 जो बसें हैं बिना फिटनेस के सड़कों पर फर्राटे से दौड़ रही हैं और खतरे में डाल रही हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान। हालांकि अब आरटीओ सख्त हुआ है, आरटीओ का कहना है कि हम जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर जब हादसा हो जाता है तभी विभाग क्यों जागते हैं, उससे पहले कार्यवाहियां क्यों नहीं करी जाती। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में आखिर कब तक इन स्कूलों और इन बसों पर कार्यवाही होती है और कब तक मासूम बच्चों की सकुशलता कम से कम इंश्योर हो पाती है। कैमरा साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा।